मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर का सब्जी। बिल्कुल मैं बनाऊंगी शादी विवाह में जो बनते हैं मटर पनीर की सब्जी, बिल्कुल उसी तरीक़ा से। और इसके साथ मैं बनाऊंगी पूरी, तो बहुत ही आसान तरीक़ा से बनाऊंगी जो आप सभी को पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं रेसिपी को शुरू करती हूँ। यहाँ पर 2 कप आटा लिया है, स्वाद अनुसार नमक डाला है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट डो तैयार कर ली हूँ, तो साइड में भी रख दी हूँ। और यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया है, उसे मैंने बारीक पीसेस में कट किया है। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाला है, तेल गर्म हो गया था तो इसमें मैंने पनीर को डाल दिया है और इसे 2-3 मिनट तक फ्राई कर ली हो। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ और इसी तेल में मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है खड़ा, और 2 लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ते और 3-4 मैंने प्याज को लंबे पीसेस में कट करके डाला है। तो प्याज को भी मैंने 2-3 मिनट तक भूंज लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने से प्याज है जो जल्दी गल जाता है, तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिला दिया है। इसमें मैंने डाला है अदरक लहसुन हरा मिर्च का पेस्ट और इसे भी 2 मिनट तक मिला के भूंज लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर का प्योरी डाला है, 3 मैंने टमाटर को पीस लिया है, पीस के डाला है। तो मैंने टमाटर मीडियम साइज का ही लिया था और इसे 2-3 मिनट के लिए ढककर पका लेती हूँ। तो टमाटर है जो अच्छे से पक गया है, तो अब मैं इसमें सूखा मसाला ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, ये देखिए। तो मैंने फ्रेंड्स इसमें हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच डाल दिया था, वहाँ पर फ़ोन मेरा बंद हो गया था, तो आप बिल्कुल भी माइंड मत लीजिएगा। और यहाँ पर 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, अगर तिक्की वाला आप डाल रहे हैं तो थोड़ा सा डालिएगा। और मिक्स किया हुआ जीरा गुलकी का पाउडर डाला है, और यहाँ पर मसाले में से अच्छी सी खुशबू आने लगी थी तो मैंने इसमें मटर को डाल दिया है और इसे भी अच्छे से मिला लिया है। इसे मैंने पनीर को डाल दिया है और इसे भी मसालों के साथ मिलाकर भूंज लेती हूँ। इस तरह से मसालों के साथ पनीर को भी भूंजने से पनीर में टेस्ट है जो बहुत ही अच्छा आता है, ये देखिए। तो यहाँ पर पनीर को भी मसालों के साथ अच्छे से मैंने भून लिया है। तो 2 कप मैंने पानी डाला है। तो ग्रेवी फ्रेंड्स आप अपने अनुसार रखिएगा, आपको गाढ़ी रखनी है या पतली वो आप अपने अनुसार रखिएगा। अगर आप रोटी पराठा पूरी के साथ खाना चाहते हैं तो गाढ़ा ही इसका ग्रेवी रखिएगा, चावल के साथ खाना चाहते हैं तो इसका ग्रेवी थोड़ा पतला ही रखिएगा। मैंने गरम मसाला डाला है और अच्छे से मिला दिया है, ये देखिए। तब मैं इसे 2-3 मिनट के लिए ढक्कन से ढक देती हूँ ताकि मटर है जो अच्छे से पक जाएगा, क्योंकि मटर मैंने कच्चा ही डाला है। तो यहाँ पर 2-3 मिनट हो गया और सब्जी है जो बिल्कुल ही रेडी हो गया है, ये देखिए फ्रेंड्स। तब मैं इसे साइड में रख देती हूँ और मैं पूरी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज को मैंने आटा को लोई बनाया है, ये देखिए। इसी तरह से सारे मैं आटा का लोई बना लूँगी। और यहाँ पर सूखा मैंने आटा लगाया है और इसे मैं पूरी बेल लेती हूँ। तो तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है, तेल भी गर्म हो गया, तेल करके इसमें मैं पूरी को डाल देती हूँ और इसे दोनों तरफ अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो दोनों साइड अच्छे से ये फ्राई हो गया है, तो इसे मैंने निकाल लिया है। तो अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो इस रेसिपी को एक बार घर पर मेरे तरीके से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपकी रेसिपी मेरी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।